और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर चीन की पैनी नजर होगी। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी हरकतों पर अंकुश लगाने और शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए बने क्वाड देशों के सदस्यों की पहली बार व्यक्तिगत रूप से बैठक होनी है। चीन क्वाड समूह को अपने लिए चुनौती मान रहा है। वजह यह है कि अमेरिका की सक्रियता से 2007 में चारों देशों ने पहली बार मालाबार नौसैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया और चीन से अपने संबंधों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर एक अहम सुरक्षा समझौता किया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिलेगी। इस पर चीन ही नहीं उत्तर कोरिया की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा है कि इस कदम से क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के एजेंडे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। पीएम मोदी अफगान में तालिबान सरकार पर अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में अफगानिस्तान में तालिबान राज और उसके पीछे पाकिस्तान के हाथ का मसला भी गूंजेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर हुए एससीओ सीएसटीओ आउटरीच समिट में पीएम मोदी ने तालिबान शासन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति चिंता जताई थी। उन्होंने यूएन से इस मसले पर हस्तक्षेप की मांग की थी और कहा था कि तालिबान सरकार को मान्यता देनी है या नहीं देनी है, ये वैश्विक स्तर पर तय होना चाहिए। जाहिर है कि पीएम मोदी वैश्विक मंच से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं। 24 सितंबर को पीएम मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात में आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद पर भी चर्चा संभव है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।